नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोग को ssc.nic.in का नीचे ऑप्शन मिलेगा, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोग जाएंगे। इसके बाद आप लोग को रिजल्ट के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर कांस्टेबल जीडी आप लोग को चूज कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पीडीएफ है, आप लोग की सीट अलोटेशन की पीडीएफ और आप लोग का फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ अनाउंस कर दी गई है एसएससी के द्वारा। ये आप लोग का फाइनल रिजल्ट है जिसके अंदर सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। यहाँ पर आप लोग रोल नंबर सर्च मार सकते हैं। पीडीएफ आप लोग को डाउनलोड कर लेनी है, जिसके बाद पीडीएफ ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आप ऊपर सर्च मार सकते हैं अपना रोल नंबर, जो भी आप लोग का रोल नंबर है। इसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग जनरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर फीमेल हो फीमेल के अंदर और मेल हो तो मेल की पीडीएफ के अंदर आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना फाइनल रिजल्ट। ये आप लोग का फाइनल रिजल्ट है जो अनाउंस कर दिया गया है। काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी उत्साह का माहौल है कैंडिडेट्स के बीच में। लगातार कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों का जो रिजल्ट है वो उसका नीचे लिंक भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। पीडीएफ के लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी लिंक आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगे। आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट के माध्यम से लिंक मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों के लिए लिंक डाल दिए गए हैं। और दोस्तों, आप लोग का रिजल्ट अनाउंस है, इसमें देखिए आप लोग की बात करेंगे पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप लोगों का सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं सभी के रोल नंबर। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ की अलग से पीडीएफ है, कट ऑफ में आप लोग जाकर देख सकते हैं किस स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है। बॉर्डर एरिया के लिए जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल की कट ऑफ अलग से बनी है। आप लोग की सभी की कट ऑफ अलग गई है और सभी के कट ऑफ मार्क्स यहां पर लिखे गए हैं। कट ऑफ के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत जल्द आप लोगों को कट ऑफ के ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगी कि कितना कट ऑफ गई है, किस स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है, बाकी कट ऑफ में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग बात करें तो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग मैं नोटिस आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ पहले ही। आप लोग की जो भी ट्रेनिंग के नोटिस आए हैं लगातार मिलते रहेंगे। अभी तक जो आप लोग के ट्रेनिंग के नोटिस आए हैं सब मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। जैसे एसएसबी का आप लोगों का ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल मैं बता चुका हूँ। इसके बाद सीआरपीएफ का पूरा शेड्यूल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। आप लोगों को बाकी सीआईएसएफ का ट्रेनिंग शेड्यूल्स, बीएसएफ का ट्रेनिंग शेड्यूल, ये भी आप लोग को जल्द मिल जाएगा। आप लोगों का रिजल्ट आया है, आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग और आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, किस तरीके से आप लोगों को ज्वाइन करना है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को पूरा इंटरव्यू मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आप लोग अब आने शुरू हो जाएंगे। आप लोग का 20-21 दिन में आप लोग का घर ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा जो भी कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद आप लोग आने शुरू होंगे, लगभग 20 दिन तो लग ही जाएंगे ज्वाइनिंग लेटर आने में। और इसके बाद जैसे ही कैंडिडेट्स के पास ज्वाइनिंग लेटर आते हैं, ज्वाइनिंग की अपडेट आती है, वो भी प्रोवाइड करा देंगे। एसएसएफ वालों की ज्वाइनिंग कब होगी तो एसएसएफ वालों की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग भी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। ज़्यादा दूर नहीं है एसएसएफ का हेडक्वार्टर, वहाँ से जाकर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कि एसएसएफ वालों की ज्वाइनिंग कब होगी। एनआईए वालों की ज्वाइनिंग और एसएसएफ वालों के ऊपर मैं डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, वो कैंडिडेट्स चिंता ना करें। बाकी आप लोग का बीएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, एसएसबी हुआ, एनआईए हुआ, एसएसएफ हुआ, इन सभी के ऊपर मैं डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, डिटेल आप लोग का एनालिसिस दूंगा। आप लोग की सभी की वीडियोज़ अलग अलग मिलेंगी जिससे आप लोग एनालिसिस कर सकें किस तरीके से आप लोग को ज्वाइनिंग करना है, कहां पर आप लोग की ट्रेनिंग होने वाली है, इसके रिगार्डिंग पूरी अपडेट्स आप लोग को प्रोवाइड होगी। ट्रेनिंग के ऊपर पूरा शेड्यूल रहेगा किस तरीके से ट्रेनिंग। देखिए दोस्तों, आप लोग की आपके स्टेट में भी हो सकती है ट्रेनिंग, आप लोग के बाहर स्टेट में भी हो सकती है, तो ट्रेनिंग के ऊपर मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, उसके लिए आप लोग कमेंट ना करें। आप लोगों को ट्रेनिंग के ऊपर पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, आप लोग का देख सकते हैं रिजल्ट। आप लोग एसएससी की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट का कॉलम है जहाँ पर आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों कांस्टेबल जीडी की पीडीएफ है और एसएससी जीडी 2018 की भर्ती प्रक्रिया थी, 2021 में आप लोगों की समाप्त हो चुकी है भर्ती प्रक्रिया। अब एसएससी की तरफ से रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का जो भी फोर्स मिली है आप लोगों को, उस फोर्स से ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर में जो भी डेट रहेगी उस डेट को आप लोगों को वहाँ पर उपस्थित होना है। 1-2 दिन डिले का चल सकता है, लेकिन आप लोगों को उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगा कि आप लोग 1-2 दिन डिले हो सकते हो या नहीं हो सकते ज्वाइनिंग में, उसकी रिगार्डिंग आप लोगों को पूरी अपडेट दे दूंगा। आप लोग के जो कमेंट आ रहे हैं उस कमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। सीट अलोटेशन आप लोग की बता दी गई है। कैंडिडेट्स अपना रोल नंबर से नाम चेक कर सकते हैं, नाम से अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, किसी तरीके से वेरीफाई कर लीजिएगा। नाम कई कई बार कैंडिडेट्स के एक जैसे होते हैं तो इस कारण से रोल नंबर से आप लोग चेक करेंगे तो अच्छा होगा। और दोस्तों, अगर आप लोग का नाम जनरल डिस्ट्रिक्ट लिस्ट में नहीं होता तो आप लोग बॉर्डर लिस्ट में देख लीजिए, किसी भी तरीके से आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोग का रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा
और आप लोग की अगर गलत मिली है किसी को पोस्ट तो आप लोग वो भी कमेंट कीजिएगा। आप लोग कट ऑफ के अकॉर्डिंग पोस्ट नहीं प्रोवाइड हुई है तो कैंडिडेट्स को वो भी बताइएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स का कई बार ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता है कि उन्होंने कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस दी थी और उनके मार्क्स ज़्यादा होते हुए भी उनको BSF मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस गलत फिल कर देते हो। किसी को मार्क्स ज़्यादा होते हुए भी ITBP भी मिल जाती है। BSF की तो पहले ही कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग की कट ऑफ प्रेफरेंस में एक नंबर पर BSF को रखा जाता है, इस कारण से इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ज़्यादातर लोग बाहर से जो हैं भरवाते हैं फॉर्मों को, तो वो ABCDEFG लिख देते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में, तो उनके मार्क्स बेशक कितने भी हों उनको पहली प्रेफरेंस ए के अकॉर्डिंग BSF प्रोवाइड हो जाती है। इस कारण से ये BSF की कट ऑफ पहले से ही ज़्यादा जाती है। इसमें आप लोगों की जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें आप लोग चेक कीजिएगा आप लोगों ने क्या पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, आप लोगों को कौन सी पोस्ट मिली है और कट ऑफ कितने कट ऑफ पे कौन सी पोस्ट की कट ऑफ गई है। ये भी है, एक ही नंबर पर आप लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाएंगी। आप लोगों का पॉइंट वाइज पॉइंट पोस्ट प्रेफरेंस है, पिछली बार नंबर वाइज थी जिसमें डेट ऑफ बर्थ को महत्व दिया गया था, इस बार आप लोगों की पॉइंट वाइज है, तो बहुत कम उम्मीद है कैंडिडेट्स के एक बिल्कुल बराबर पॉइंट पर नंबर है, ऐसा बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों की स्टेट लिस्ट है तो एक स्टेट के अंदर ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है, सभी के अलग अलग स्टेट लिस्ट आई है। और जो आप लोग की सेंट्रल लिस्ट बनी है वो SSF और NIA वालों की सेंट्रल लिस्ट बनी है, बाकी स्टेट लिस्ट आप लोग की बनी है जो बाकी फोर्स हैं जितने भी CAPF फोर्सेज हैं, जैसे BSF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, इन सब की स्टेट लिस्ट है। और बॉर्डर एरिया में जो भी वैकेंसीज थी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पोस्ट प्रोवाइड की गई हैं। आप लोगों की पूरी PDF है, पूरे नाम्स हैं और कैंडिडेट्स के, और आप लोगों का रोल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोगों को पूरी PDF प्रोवाइड की गई है। बाकी दोस्तों कट ऑफ के रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी, आप लोगों को PDF का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग की जो ये यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो आप लोगों का रिजल्ट है सीट अलॉटेशन के बाद जो आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ये कैंडिडेट्स को आप लोगों को अलग से PDF मिलेगी। आप लोग SSC में ऑप्शन में जाएंगे, नीचे लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से आप लोग रिजल्ट कॉलम में जाकर देख सकते हैं अगर आप लोगों को सीट अलॉटेशन चेक करनी है। अपना कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा आप लोगों की कौन सी पोस्ट हुई है अलॉट, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कब से आप लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आज आप लोग को पोस्ट अलॉट हो चुकी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सभी कैंडिडेट्स जो भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए किसको कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है, जिससे पता चल सके किस कैंडिडेट्स को कौन सी पोस्ट मिली है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। सभी के ऊपर मैं व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, एक डिटेल वीडियो बना दूंगा सभी के व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जिससे आप लोग खुद अपने ग्रुप में रह सकें। आप लोगों का अभी तक ग्रुप आप लोगों का सबका कंबाइंड ग्रुप होगा, अब आप लोग अलग अलग से ग्रुप बना लीजिएगा, CISF का, CRPF का, BSF का अलग से ग्रुप बना लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत ना हो, जो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कोई दिक्कत ना हो। बाकी सभी ग्रुप्स की वीडियो तो आप लोगों यहाँ पर मिलती रहेंगी, सारी अपडेट्स के लिए आप लोग SSC एग्जाम वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों को लगातार अपडेट SSC एग्जाम वॉरियर चैनल से मिलती रहेंगी। और जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है, देखिए दोस्तों आप लोग उम्मीद मत हारिए, आप लोग अगली भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कीजिए। आप लोग SSC GD का फाइनल रिजल्ट था, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और बाकी दोस्तों इसके अंदर किसी कैंडिडेट्स का नंबर नहीं आया है तो उसको उम्मीद है कि अगर इन कैंडिडेट्स में से ज्वाइन नहीं करते हैं कैंडिडेट्स तो वेटिंग लिस्ट के जरिए आप लोगों को बुलाया जा सकता है, तो आप लोग हिम्मत ना हारें। दो SSC GD 2021 की भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहें। एक डिटेल वीडियो उसके लिए भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग मैं पूरी अपडेट दे दूंगा उसके अंदर। आप लोगों का ये फाइनल रिजल्ट है SSC GD कॉन्स्टेबल 2018 का। बाकी दोस्तों आप लोगों को डिटेल वीडियो मिलती रहेंगी, आप लोग अब रिजल्ट देख लीजिए और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा वीडियो को। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कहीं पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं, नीचे शेयर का ऑप्शन है वहाँ पर आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।